साथियों, मेरा ये स्पष्ट मत रहा है कि परिवर्तन तभी सार्थक होता है, तभी स्थायी होता है, जन मन बदलता है तब होता है। लेकिन इस जन मन को साधने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मैं मानता हूं कि इस समय हमारा भारतवर्ष भी तपस्या के दौर में है। वो खुद को साध रहा है और उसकी साधना में हम सब एक सेवक है, एक साधक है। साथियों, इस साधना को सुरक्षा और सम्मान के बदलाव को पूरे देश ने, मेरी काशी ने भी महसूस किया है। हां, काशी में हुए बदलाव पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी बदलाव करने वाला होता कौन है? जहां स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजे हैं, वहां उनकी मर्जी के बिना कुछ हो सकता है क्या? ये तो बस एक बेटे का संकल्प है और काशी की महान जनता की जीवंतता है जो ये पुरातन नगरी नवीनता को अंगीकार कर रही है। एक ऐसी दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां साइंस भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, टैलेंट भी हो, टूरिज्म भी हो, खान पान हो तो खेलकूद भी हो, जहां दिव्यता भव्यता का संगम हो, जिसकी जड़ें आध्यात्मिक हो, मॉडर्नाइजेशन हो लेकिन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिम का चश्मा लगाकर ये सब नहीं किया जाता। साथियों, हम सब मिलकर एक अविनाशी काशी को अलौकिक रूप देने के महायज्ञ में जुटे हैं।